उधर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बहादुरगढ़ नगर परिषद की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन सरोज राठी के शपथ समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, पूर्व विधायक नरेश कौशिक की मौजूदगी में बीजेपी की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन सरोज राठी 31 वार्ड पार्षदों ने शपथ ली। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने चेयरपर्सन वार्ड पार्षदों को शपथ दिलवाई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित चेयरपर्सन और परिषद सदस्यों को धनखड़ ने बधाई देते हुए कहा कि सरोज बाला की अगुवाई में बहादुरगढ़ का विकास होगा। इस दौरान धनखड़ ने संकेत दिया कि बीजेपी जिला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ सकती है, लेकिन इसके लिए जिला इकाइयों से पहले राय शुमारी की जाएगी। हालांकि सरपंच और ब्लॉक समिति के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी। धनखड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने से पहले कोई परंपरा नहीं रहेगी, छोटे चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते। आज बहादुरगढ़ की चेयरपर्सन और सभी पार्षदों की शपथ विधि है। इसी शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले बहादुरगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चेयर वोमेन और सभी पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के लड़े उनको सफल बनाया, विजयी बनाया। बहुत बहुत बहादुरगढ़ की जनता का आभार। दूसरा, मैं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने परिश्रम की प्रकाष्ठा की और विजयी बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी विजेता हमारी सरोज राठी जी और सभी पार्षदों को भी उनकी विजय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले से सिंबल पर लड़ने की पंचायत चुनाव की कोई परंपरा नहीं रही है। कभी कभी कुछ स्थानों पर हमारे जिला परिषद के कुछ सदस्य सिंबल पर लड़े हैं, जो सरपंच हैं, पंच हैं या ब्लॉक समिति हैं, बहुत छोटे चुनाव होते हैं, कभी सिंबल पर लड़ते नहीं है। इस बार भी पूछेंगे हमारी जिला इकाइयों से कि जिला परिषदों के बारे में उनका किस प्रकार का मत है। जैसा